उत्तर प्रदेश के युवाओं को डिजिटल इंडिया से जोड़ने के लिए आज के प्रदेश बनवाना सरकार शुरू की नहीं तरफ से करा है। उन्हें मोबाइल और टैबलेट दिया गया है और उस पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एसीएस अवनीश सभी अवस्थी जी। विद्यार्थियों से सर, भी आज अनुरोध है बच्चों कि को आप लोगों की तरफ से टैबलेट और मोबाइल फोन दिया गया है, लेकिन सबसे अहम बात यह कि उसमें इंटरनेट की कनेक्टिविटी के लिए भी कहीं ना कहीं कुछ सवाल है, तो उस पर कैसे, क्योंकि बच्चों के दिमाग में बात अभी भी बनी। देखिए, इंटरनेट की कनेक्टिविटी और जो यूजेज ऑफ इंटरनेट है वो तो बढ़ता चला जा रहा है। अभी इंटरनेट की कनेक्टिविटी प्रदेश में बढ़ाने के लिए ऑप्टिकल फाइबर्स और पूरा नेटवर्क और मजबूत किया जा रहा है। इसमें जो है रोड साइड में फ्री ऑप्टिकल फाइबर लगाने के लिए मोबाइल कंपनीज को अनुमति दी गई है और मैं कह सकता हूं कि हर गांव तक अब कनेक्टिविटी आगे धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है। आज जो टैबलेट का वितरण हुआ है इसमें सॉफ्टवेयर भी दिया गया है और निश्चय ही ये जो छात्र हैं गांव में हो चाहे बिल्कुल एकदम दूरस्थ क्षेत्रों में है, इंटरनेट कनेक्टिविटी जैसे जैसे इंप्रूव होगी इनको फायदा मिलेगा, पढ़ाई में इनको आगे बढ़ने में और रोजगार में भी फायदा। क्या माना जाए कि जिस तरह से कोविड के दौरान ऑनलाइन क्लासेस बच्चों को करनी पड़ी थी, काफी लोगों को समस्याएं हुई थी, उसी से जोड़कर इस कदम को उठाएंगे? जी बिल्कुल, देखिए ये एक लक्ष्य निर्धारित मुख्यमंत्री जी का था कि हर छात्र तक हम पहुंचे। यूपी में सबसे ज्यादा युवा है, आपको उन्होंने बताया यूपी हर प्रदेश से पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे बड़ा प्रदेश है, यूपी में सबसे ज्यादा स्किल्ड मैन पावर भी है, यूपी में सबसे ज्यादा एमएसएमईज भी है, यूपी हर क्षेत्र में नंबर वन है। तो ऐसे में यूपी के युवाओं को हम इस वितरण के कार्यक्रम में भी नंबर वन पर ले जाएं, ये आज उद्देश्य है। 60,000 को तो आज इस ग्राउंड में ही जो है 59,543 को आज इस ग्राउंड में ही बांटा गया है, आगे मंडल मुख्यालयों पर भी बांटा जाएगा और 1 करोड़ के लक्ष्य को पूरा किया जाएगा। धन्यवाद सर बात करने के लिए। तो ये इकाना स्टेडियम है जहां पर करीब 60,000 बच्चों को अब से थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री और प्रदेश सरकार की तरफ से जो लैपटॉप और मोबाइल है वो बांटा गया और आप बिल्कुल देख सकते हैं कि इस मैदान में किस तरह से जो युवा है उनकी संख्या करीब 60,000 बताई जा रही है और 60,000 बच्चों को और कुल मिलाकर पूरे उत्तर प्रदेश में 1 लाख बच्चों को आज मोबाइल और टैबलेट जो है वो बांटा गया है और साफ तौर पर पूरी प्रयास यही है कि इस बार ये जो उत्तर प्रदेश का युवा है इसे डिजिटल इंडिया से जोड़ा जाए। कोविड के दौरान जो ऑनलाइन क्लासेस हुई थी उन ऑनलाइन क्लासेस में कुछ बच्चों को समस्या इसलिए हुई थी क्योंकि उनके पास वो डिजिटल इक्विपमेंट्स नहीं थे, लेकिन प्रदेश सरकार का ये कहना है कि अब अगर इस तरह की समस्या कोविड की तरह की कोई समस्या आती है और ऑनलाइन क्लासेस कराने की जो समय आता है कि ऑनलाइन क्लासेस भी करानी पड़ेंगी तो ऐसे में अब इन बच्चों को दिक्कतें नहीं होंगी। लखनऊ से कैमरा पर्सन दीपक के साथ मैं नितिन, प्राइम टीवी।